今日は徳さんの送別会で。あ、お邪魔します。失礼します。これ可愛いね。妻です。あ、お綺麗です。喜びます。こんにちは。お綺麗です。こんにちは。うわあ。はい。綺麗ですね。いやかっこいいね。かっこいいね。ありがとうございます。今 YouTube 上がってる。うん、そう、そう。この人のトキャス君の送別会です、はい。おめでとうございます。おめでとうございます。悲しいです。はい。はい、直線切符。うまそう。そんなご飯はマジですごいよね。そんなご飯見て何か言いたいことはありますか？あの色がとても色とりどりで綺麗に備えられてて、やっぱなんと言いますか、そのやっぱパッと見の見た目って一番大事だと思ってて、食欲をそそるというか、はいはいはいはい、そこもしっかりとできてて、とても綺麗な見た目の、あこれ YouTube 乗るよ。申し訳ないです。本当は外で座らないといけないんで。そうやね。家では。家の外。あ、もう家はババ。ये साइड में से इसे कर रहा है जो साइड में है इसके हवा खींचती है अंदर तो इसकी जो धुआं है उसका पान चलेगा なんでそう吸ってるんですかと説明あうん Okay. そうインド人が分からない、うん、でこれ धुआं छोड़ेगा इसमें जो साइड में को धुआं जाएगा वो दिख रहा होगा वो साइड में को यहां को धुआं पड़ेगा और ये बाहर चला जाएगा かっこいいかっこいい邪魔気がいるわ邪魔気が欲しいかっこいい初めて It's smoking area It's smoking area 喫煙所もう入ったのもあるのもねじゃんまあらあらあらあらあらあらあらイエーイナマステハハハ間違ってチンコだったよかわいいかわいいさあさあどうくるかどうくるかおおおおおナイスおーおーカメラ目線入りましたやば何ですかありがとうございますすいませんお疲れ様でしたお疲れ様でしたそれは、はい、僕の頭持ってからおお僕の頭いやいやもったいない僕の頭持ってからそれは僕の頭持ってからいやもったいないですもう残ったものは後で食べよう。めっちゃ綺麗ですね。もう一回見てください。こうして。パーティー खत्म होगी और मेरे पीछे जो ऊपर घड़ी लग रही है तो उसमें लगभग 3:15 होगी और अब लगभग सोने का टाइम होगा हमने वहां बैठ के पीछे टेबल जो लग रही है वहां पे पार्टी करी थी ये इधर किचन है यहां पे जो हमने मतलब कि हमारा खाना बना था मतलब कि जो पहली वीडियो में भी आया है और अब हम सोने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सुबह काम है जल्दी सुबह उठना है लगभग उठ तो जाएंगे लगभग 8 या 8:30 बजे निकलेंगे 9:30 बजे पहले
तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी बजे है सुबह के 9 और हम उठ के के अब भी नींद है क्योंकि लेट तो सोए थे। अब उठ के ये हाल है, सब पीछे चलने की तैयारी कर रहे हैं, सबका काम है। और अभी थोड़ा बहुत खा पी के चलेंगे और अब सुबह से मतलब कि जहाँ काम करते हैं साथ में काम करते हैं करने की मतलब कि तो मैं अभी थोड़ा सा अपने स्टाइल वो दिखाता हूँ कैसा होता है। जो सामने बढ़ते ही ऐसा है कुछ, ये हाथ धोने का है वॉश वैसा, ये इनकी वो रखी है और इसके अंदर होता है जो जैपनीज स्टाइल, जैपनीज स्टाइल जो नहाने का सिस्टम होता है ये होता है वो। ये सब मतलब कि वहाँ पे जो ऑटोमेटिक कंट्रोल लगा है, इधर मेरा ये हिस्सा है और ये शैम्पू करोगे तो यहाँ से पानी निकलेगा। ये गजब इसमें होता है, पूरे में गर्म पानी भरता है, पूरे में वहाँ से गर्म पानी निकलेगा। पूरे में गर्म पानी भरने के बाद में इसमें बैठते हैं, इसका टेम्परेचर लगभग कितना होता है, शायद 30 तो ऊपर होता है हमेशा, 30 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर पानी के ऊपर होता है। और पानी जल्दी ठंडा ना हो इसके लिए ढक्कन भी होता है ये, और इसमें बैठते हैं 15-20 मिनट। घर में जो लगभग 5-6 आदमी हो, पहला इस तरह सावर देंगे फेस में बढ़ जाएंगे, इसका मतलब कि अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं पूरे दिन की जिससे थकान है वो मिटने के लिए। ये एक अलग जॉब शायद मतलब कि अपने कंट्री में नहीं है शायद, ये जैपनीज स्टाइल, इसको ऑफ्रो बोलते हैं। स्पा में तो मसाज ही होती है, बस कुछ ऐसा है बस ये। तो अब बाहर आगे बाहर चलने के लिए, वापस चलने के लिए हम जाके पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है लेक्सस में, और कुछ घर का कुछ बाहर का ऐसा है, लगभग नए नए घर है कुछ आसपास में। अब चलते हैं हम। していくって線と、はい、もう空中でのぶつかり事故が増えると思う。